हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 वाणिज्य का वायरल पेपर, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में यही पेपर आएगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। न्यू पैटर्न पर आधारित वीडियो के बीच में बताऊंगा कि यह पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा। आज का यह वीडियो जितने भी स्टूडेंट 2025 में वाणिज्य का पेपर देने वाले हैं, पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख लेना। पूरे पेपर का सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा। यह पूरा वीडियो देख लिया तो 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2025 वाणिज्य का वायरल पेपर, पेपर कोड 935-829, ऊपर आपको अनुक्रमांक और नाम देखने को मिलेंगे। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक आपके 70 नंबर के रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ सामान्य निर्देश को दे दिया है। निर्देश को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है कि कैसे आपको पेपर करना है। चलिए सबसे पहले निर्देश को देख लेते हैं, उसके बाद पूरे पेपर का के साथ एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। पहला नंबर दिया कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा दिया कि प्रश्न पत्र दो खंड, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। तीसरा दिया कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके वो MR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करेंगे। चौथा दिया कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। पांचवा दिया कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिया है खंड और बहुविकल्पी प्रश्न। आपको यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो आपको OMR शीट पर करना रहेगा। पहला नंबर क्वेश्चन दिया कि पूंजी में शुद्ध लाभ दिखाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए जोड़कर, बी घटाकर, सी जोड़कर व घटाकर, डी इनमें से सभी सत्य है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि विनिमय विपत्र स्वीकार किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए आहर्ता, बी अदाकर्ता, सी आदाता और डी बैंकर। यदि आपको इन सवालों के जवाब जानते हो तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। यह 2025 वाणिज्य विज्ञान का वायरल पेपर आपने पूरा देख लिया तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अदा करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया कि माल बेचने पर बनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए बीजक, बी विक्रय विवरण, सी खाता विवरण और डी इनमें से कोई नहीं। आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया कि संपत्ति का जो भाग उत्पादक कार्य में लगाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए बचत, बी संचय, सी पूंजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया कि रेलवे बिट्टी है, क्या है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए विनिमय साध्य, बी अर्ध विनिमय साध्य, सी पूर्ण विनिमय साध्य और डी अविनिमय साध्य। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्ध विनिमय साध्य होता है एक रेलवे बिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां नंबर क्वेश्चन दिया कि भूमि व भवन किसी व्यापारी की संपत्ति होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो पूरा अंत तक अवश्य देखें। यह वाणिज्य विज्ञान का वायरल पेपर है, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। आपके ऑप्शन है ए अस्थाई, बी काल्पनिक, सी अस्थाई और डी तीनों कथन सत्य है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अस्थाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि हुंडी की भाषा है, आपको बताना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपको यह बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपके ऑप्शन ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी मुड़िया और डी संस्कृत। तो आपका सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मुड़िया। आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दुकान की सजावट पर ध्यान देता है, ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी थोक व्यापारी और डी फुटकर व्यापारी। तो आपका डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, फुटकर व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा नंबर क्वेश्चन दिया कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई और डी मुंबई। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवा नंबर क्वेश्चन दिया कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है। आपके ऑप्शन है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी सर्व
सर्वाधिक और डी शून्य, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक बैंक निम्नलिखित में से किसमें विकास के लिए ऋण प्रदान करते हैं? आपके ऑप्शन है ए उद्योग, बी भूमि, सी उपयुक्त सभी और डी इनमें से कोई नहीं, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि व्यय को घटाकर दिखाया जाता है, आपके ऑप्शन है ए बीजक में, बी विक्रय विवरण में, सी खाता विवरण में और डी तीनों कथन सत्य है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा विक्रय विवरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन दिया कि एजेंट द्वारा अपने प्रधान को बनाकर भेजा जाता है, आपके ऑप्शन है ए बीजक, बी विक्रय विवरण, सी जमा की चिट्ठी और डी नाम की चिट्ठी, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा विक्रय विवरण। एजेंट द्वारा अपने प्रधान को विक्रय विवरण बनाकर भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्टेट बैंक का पहला नाम क्या था, आपको बताना है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है ए लीड बैंक, बी इंपीरियल बैंक, सी बैंक ऑफ बंगाल और डी तीनों कथन सत्य है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हम आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा एम्पीरियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि पूंजी में शुद्ध लाभ दिखाया जाता है, किसमें दिखाया जाता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए जोड़कर, बी घटाकर, सी जोड़कर वो घटाकर, डी इनमें से सभी, तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यदि आपको नहीं पता तो आप कमेंट करेंगे, तो अब हम कमेंट में ही राइट आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली और कश्मीर के मध्य किए जाने वाले व्यापार कहलाता है, आपके ऑप्शन है ए देशी व्यापार, बी विदेशी व्यापार, सी थोक व्यापार और डी फुटकर व्यापार, तो आपको बताना है कौन सा व्यापार कहा जाता है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे देसी व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन दिया कि संपत्ति का जो भाग उत्पादक में लगाया जाता है उसे कहते हैं, आपके ऑप्शन है ए बचत, बी संचय, सी पूंजी और डी इनमें से कोई नहीं, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि बैंक के प्रकार हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन है ए व्यापारिक बैंक, बी विदेशी विनिमय बैंक, सी औद्योगिक बैंक और डी तीनों कथन सत्य है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सबसे अधिक ब्याज मिलता है किस खाते पर आपको मिलता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए चालू खाते पर, बी बचत खाते पर, सी अस्थाई जमा खाते पर, डी आवर्ती जमा खाते पर, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अस्थाई जमा खाते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कबूतर खाने पिंजन होने वाली अलमारी में खाने कितने होते हैं, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 24, बी 26, सी 30 और डी तीनों सत्य हैं, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 24 होते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यह 2025 वाणिज्य विज्ञान का वायरल पेपर है, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में यही पेपर देखने को मिलेगा। हम आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम देख सकते हैं कि दिया है खंड ब अति लघु उत्तरी प्रश्न, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सभी क्वेश्चन आपके दो दो नंबर के रहेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन दिया कि अदत्त व्यय से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसका भी फुल सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। हम आपको 2025 का वायरल पेपर दिखा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछा जाएगा। आप सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बैंक समाधान विवरण की 4 विशेषताएं आपको बतानी है।
23 नंबर दिया, क्वेश्चन दिया कि खड़ी एवं लेटी फाइल प्रणाली में क्या अंतर है, सभी क्वेश्चन आपके दो दो नंबर के हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोई दो उद्देश्य लिखिए। 25 नंबर क्वेश्चन दिया कि सीमांत तुष्टि गुण हास नियम की चार मान्यताएं आपको बताना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि दिया है लघु उत्तरी प्रश्न, यहाँ पर आपको चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सभी क्वेश्चन आपके चार चार अंक के हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया कि चेक और विनिमय विपत्र में अंतर लिखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन दिया कि अनुक्रमणिका की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। 28 नंबर दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के किन्हीं चार कार्यों को आपको लिखना है, ये भी आपके चार नंबर के क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया कि निसंचयन तथा बचत में अंतर आपको बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया कि निसंचय तथा बचत में अंतर कीजिए। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि दिया है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में से आपको तीन क्वेश्चन करने हैं, तीनों क्वेश्चन आपको आठ आठ अंक के देखने को मिलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है 1 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सागर ट्रेडर्स के अंतिम खाते निम्नलिखित सूचियों के आधार पर बनाइए। यहाँ हम देख सकते हैं कि खाते का नाम डेबिट रुपए क्रेडिट रुपए दिया है, तो आपको इसमें से बताना है। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम इसका भी फुल सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे हम इसको हल करेंगे बहुत ही इजी के साथ। हम देख सकते हैं कि समायोजन में दिया है कि पहला नंबर अंतिम रहतिया रुपए 3200, दूसरा दिया है कि पूर्वदत्त कर रुपए 600, तीसरा दिया है कि हास की व्यवस्था कीजिए प्लाट पर 10%, फर्नीचर पर 15%, चौथा नंबर दिया है कि अशुद्ध ऋण प्रावधान को ₹400 से बनाइए, अथवा करके दिया है को एक ही करना है, अथवा करके दिया है समायोजन से आप क्या समझते हैं, समायोजन क्यों आवश्यक होती है, किन्हीं चार समायोजनाओं के बारे में लिखे तथा आवश्यक लेख भी आपको बताना है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, आप आसानी से 8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि 31 नंबर दिया है कि मैसर्स राजीव इलेक्ट्रॉनिक ओबरा ने शिवा इंडस्ट्री नोएडा की ओर से निम्नलिखित माल का विक्रय किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला दिया है कि 15 टेलीविजन सेट दर रुपये कितना दिया है 7532 रुपये प्रति, दूसरा नंबर दिया है 5 वॉशिंग मशीन दर रुपये 4570 प्रति, तीसरा दिया है 25 रेडियो सेट दर रुपये 887 प्रति, चौथा दिया है 12 गीजर दर रुपये 2165 प्रति। यहाँ आप देख सकते हैं कि वह दिया है रेल भाड़ा रुपये 2535, बीमा रुपये 2170, धुलाई रुपये 775, दुकान का किराया रुपये 7500, अन्य व्यय रुपये 1035, कमीशन 12% की दर से काटा गया तथा 5% प्रतिरोधक कमीशन की अनुमन्य है, विक्रय विवरण तैयार कीजिए, अथवा करके दिया है आपको एक ही करना, स्टेट बैंक के केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य आपको लिखना है। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप पूरे पेपर का बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे, एग्जाम में 70 में 70 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन दिया, यही आपके लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके 8 नंबर के क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन दिया है, आपको एक ही करना है। व्यय तथा बचत से आप क्या समझते हैं, व्यय और बचत के महत्व का वर्णन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवसायिक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं चार समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्रों का वर्णन आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम इसका भी फुल सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। यदि आपको जिस सब्जेक्ट या जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।